दोस्तों, अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है या फिर हम बार बार इंटरनेट की नई नई सेटिंग्स देख चुके हैं फिर भी हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके इंटरनेट को किस प्रकार फास्ट करेंगे विथ प्रूफ, और मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि मेरे इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि आज की जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में होगा क्या दोस्तों कि सभी मोबाइल चला रहे हैं घर में रहकर, लेकिन अगर मोबाइल की इंटरनेट स्पीड स्लो आए तो उस स्थिति में वो क्या करें। अगर आपकी भी इंटरनेट स्पीड स्लो आ रही है दोस्तों तो ये वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप आपकी इंटरनेट स्पीड को बहुत ही ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड किस प्रकार बूस्ट कर पाएंगे या फिर आपके इंटरनेट की स्पीड जो स्लो आ रही है उसे किस प्रकार आप फास्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें जो जो ट्रिक्स करनी है वो ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा आपके स्मार्टफोन के सेटिंग के अंदर। ये सेटिंग ऑप्शन हर एक स्मार्टफोन्स में आता है, तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ एक मेनू बार आ जाएगा बहुत ही लंबा चौड़ा, तो इसमें आपको सिंपली और कनेक्शन सेटिंग्स पर ही आपको क्लिक करना होगा। इसके अलावा आप किसी भी सेटिंग्स पर क्लिक ना करें। तो इस पर हम सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों मोबाइल नेटवर्क, और मोबाइल नेटवर्क के नीचे एक और ऑप्शन आपको सिम एंड मैनेजर भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना होगा दोस्तों। मोबाइल नेटवर्क पर जैसे ही हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आ रही है, जिनमें दोस्तों आपको यहाँ यूज डुअल सिम कॉल भी शो हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली APN सेटिंग्स पर, APN नेम पर। दोस्तों इसके नीचे एक ऑप्शन आपको फिलहाल दिखाई दे रहा होगा, ये है नेटवर्क ऑपरेटर। नेटवर्क ऑपरेटर पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा दोस्तों। तो नेटवर्क ऑपरेटर पर जिस भी सिम में आप इंटरनेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं जियो सिम में करना चाहता हूं तो मुझे जियो पर क्लिक करना होगा। यहां पर ऑटोमेटिक नेटवर्क को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर कुछ समय की टाइमिंग लगेगी और आपका इंटरनेट सेलेक्टेड हो जाएगा। रजिस्टर्ड योर नेटवर्क देखिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर, एक्सेस पॉइंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ एयरटेल की भी सेटिंग्स आ रही है और जियो की भी आ रही है। जियो में एक तो हमारे यहाँ पर ये काम करती है और एक ये काम करती है, जो भी हम यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर एक और APN सेटिंग्स बनानी होगी। उसके लिए आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। तो ये है ऐड का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ऐड पर सिंपली हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट में आपको नेम शो हो रहा है, सेकंड में आपको APN शो हो रहा है। फर्स्ट में यानी सबसे पहले नेम पर आपको जो लिखना है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, जियो 4G मैक्स 2.0, जीरो 4G मैक्स 2.0 आपको यहाँ पर टाइप करना है और इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपके सामने APN का आ रहा है, APN पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है जियो नेट। जियो नेट लिखकर आप इसे सेव कर दें। और दोस्तों जियो नेट में जो आगे का J है इसको आपको कैपिटल रखना है और पीछे का जो N है इसको भी आपको कैपिटल रखकर सेव कर देना है। यहाँ पर प्रॉक्सी आ रही है, आपको किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है दोस्तों। यूज़र नेम पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर आप लिख दें जियो
हैशटैग आगे हैशटैग लगाना है दोस्तों, हैशटैग Geo4ZMax2.0। ये यूजर नेम आपको यहां पर लिखना है। उसके बाद पासवर्ड में आपको कुछ नहीं लिखना है, सर्वर नेम पर आपको क्लिक करना होगा। सर्वर नेम पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहां पर आपको सर्वर लिखना है www.geo.com, ये लिखना है दोस्तों यहाँ, और इसे सिंपली सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं जिनमें MCC और MNC दोनों को छेड़ना नहीं है दोस्तों। ऑटोमेटिक जो आ रहा है वही रहने दें, इसमें बिल्कुल भी आप चेंज ना करें। इसके अलावा आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है दोस्तों, ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पर हम क्लिक करके POP की जगह आपको लेना होगा POP और चिप CHA चिप, ये दोनों आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों APN टाइप पर आपको जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो ही रहने देना है। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन शो हो रहा है दोस्तों, ये देखिए APN प्रोटोकॉल, इसमें आपके सामने नोट सेट लिख रहा है, या फिर IPv4 IPv6 टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर रोमिंग आ रहा है, तो रोमिंग पर भी आपको यही सिलेक्ट करना है, जो कि आप कहीं भी घूमने जा रहे हों तब भी ये रहना देना है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है बैरियर का, इसमें आपको LTD और ऊपर वाला हटा देना है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें GPS भी आपको रखना है, ये भी आपको सेलेक्ट करना है, और HPA भी आपको सेलेक्ट करना है। ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है वर्चुअल नेटवर्क टाइप। वर्चुअल नेटवर्क टाइप के अंदर दोस्तों आपके सामने फिलहाल तो नोट सेट आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर SPN को सेलेक्ट करना है। ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और सेटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ से तो दोस्तों हमारी सेटिंग यहाँ पर आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप, Geo4ZMax2.0 आ चुका है। अब इसी को ऐसे ही रहने देना है।